देश की ताकत पर सवाल कर रहे हैं, जो सवाल चीन से पूछना चाहिए। इस देश का विपक्ष वो सवाल अपने देश से पूछ रहा है। क्यों चाइनीज सामान हमारे गांव के गलियों के मोहल्लों में शहरों में बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में घुस चुका है, बताइए। 3 मेजर और 1 कर्नल रिहा किए गए, उनके ना तो नाम दिए गए ना उनकी तस्वीरें जाहिर की गई। उसने एग्रीमेंट किया ना 97 में, संधि में बाउंड्री मैनेजमेंट है वो, 97 मिलिट्री एक्शन आपके कमांडिंग ऑफिसर को डिफेंस मिनिस्टर मार देगा। भदौरिया साहब क्या बात कर रहे हैं, भदौरिया साहब के क्या बात कर रहे हैं, मिनिस्टर थे। भारतीय मीडिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ये अब साफ दिखने लगा है कि एक जो विपक्ष से सवाल करता है और दूसरा जो सरकार से सवाल करता है। आज हम पिछले 5 डिबेट्स के बारे में बात करेंगे जो गोदी मीडिया और आजाद मीडिया ने की है, और ये देखेंगे कि ये डिबेट्स किन मुद्दों पर हुई हैं। पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की, जो अपने डिबेट में विपक्षी नेताओं पर चिल्लाते दिखाई देते हैं। पहले जानते हैं कि उन्होंने पिछले 5 डिबेट्स किन मुद्दों पर किए हैं। पहला, कांग्रेस का नेता या देशद्रोही, देखिए अर्नब के साथ पूछता है भारत। दूसरा, गुनाह कांग्रेस का, सवाल सेना से। तीसरा, सेना के शौर्य पर कांग्रेस के सवाल। चौथा, देश एक साथ विपक्ष सवाल के साथ। और पांचवा, जासूसी से जंग जीतेगा पाकिस्तान। अगर अर्नब की डिबेट्स की बात करें तो अर्नब ने अपने डिबेट्स में विपक्ष को ही निशाना बनाया है। देश एक साथ है क्योंकि हम हिंद की सेना पर और देश की सत्ता पर हमें भरोसा है, लेकिन जो देश में चीन के चाटुकार हैं, जो देश में पाकिस्तान के प्यारे हैं, वो आज भी देश की ताकत पर सवाल कर रहे हैं, जो सवाल चीन से पूछना चाहिए। इस देश का विपक्ष वो सवाल अपने देश से पूछ रहा है। हर हिंदुस्तानी ये सच्चाई जानता है कि चीन के ने सरहद पर गद्दारी की है, लेकिन कांग्रेस को ये नहीं पता है। जो बात चीन कह रहा है वही जुबान कांग्रेस बोल रही है, लेकिन जिनके लिए राजनीति पहले है और राष्ट्रवाद में वो पहले भी ये कर चुके हैं, आज भी वही कर रहे हैं ये लोग। जब राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए कि बिना हथियार के सेना वहां क्यों थी, तो अर्नब ने उसका कारण भी कांग्रेस पार्टी को ही बता दिया। जब मौका दुश्मन पर वार का है तो वाड्रा कांग्रेस सैनिकों के हथियार पर सियासी टकरार कर रही है। राहुल गांधी ने आज देश से और देश के सैनिकों से पूछा, जी हां पूछा, कि वो सरहद पर बिना हथियार क्यों चले गए। अरे राहुल बाबा, राहुल गांधी जी, या तो आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है राहुल बाबा, या तो उन्होंने पढ़ाने लिखाने छोड़ दिया है। राहुल गांधी शायद भूल गए हैं वर्ष 1993, कांग्रेस ने चीन से समझौता कर उन्हें कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और सेना से सवाल पूछने वालों, पहले तुम जवाब दो, हमारे शूरवीरों के हथियार तुम छीन कर तुम चीन के चरण में क्या रखा है। अब बात करते हैं न्यूज नेशन के वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया की, आइए देखते हैं कि उन्होंने पिछले 5 डिबेट्स किन मुद्दों पर किए हैं। पहला, बॉयकॉट ऑफ चाइना इज द मंत्रा ऑफ विक्ट्री इन दिस बैटल। दूसरा, None of our posts are occupied by China, PM Modi. China will lose from pocket of India, not rocket. चौथा, देश की बहस, strike with bullet to wallet. और पांचवा, exodus of Hindus in Mewat. This is BJP's new agenda. Captain Ajay Awasthi. दीपक चौरसिया ने अपनी debates mostly boycott China products को लेकर ही की है। उनको ये भी सवाल करने चाहिए थे कि अगर बॉयकॉट करें तो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। क्यों हमको बॉयकॉट चाइना करना चाहिए, क्यों चाइनीज सामान हमारे गांव के गलियों के मोहल्लों में शहरों में बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में घुस चुका है, बताइए। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे चाइना को, जब वो हमारे साथ घुसपैठ करता है, हमारे 20 सैनिकों को शहीद करता है, तो क्यों ना उससे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया जाए, ना किया जाए उसके साथ इतना बड़ा व्यापार, आधी कमर टूट जाएगी उसकी।
आपके मोबाइल के एप्स हैं, मोबाइल के इंस्टॉलेशन हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो 90% चाइना से फंडेड हैं, ऐसी कंपनी हमारे यहाँ है, ऐसे एप्स हमारे यहाँ हैं, ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ हैं, उनका क्या करें? क्या इसके खिलाफ आप एक जागरण नहीं फैलाएंगे? अब बात करते हैं उस मीडिया की जो अपने शो के जरिए सरकार से लगातार सवाल करता रहता है और सही मुद्दों को जनता के सामने रखता है। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की, जो अपने प्राइम टाइम के जरिए जनता के मुद्दे उठाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने अपने शो में पिछले 5 डिबेट्स में किन मुद्दों पर बात की और सवाल पूछे। पहला, पुलवामा के समय जैसी परंपरा जारी रह सकती थी? दूसरा, क्या सरकार चाइना के सामान पर बैन लगा सकती है? तीसरा, भारत चीन विवाद का कूटनीतिक हल कैसे? चौथा, शब्दों के चुनाव में कितने संवेदनहीन हैं हम? और पांचवा, दिल्ली रॉयट्स को आतंकी साजिश बताकर विरोधियों को फिक्स किया जा रहा है? रवीश अपने प्राइम टाइम के एक एपिसोड में कई मुद्दों को एक साथ उठाते हैं और सरकार से खुलकर सवाल करते हैं और उनकी कमियों को देश के सामने लाते हैं। ऐसे ही भारत चाइना विवाद को लेकर रवीश ने अपने प्राइम टाइम के जरिए कुछ अहम बातें बताई। एक बार फिर से आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। 3 मेजर और 1 कर्नल रिहा किए गए हैं। उनके ना तो नाम दिए गए, ना उनकी तस्वीरें जाहिर की गई और ना ही भारत की तरफ आते हुए दृश्यों को देखने के लिए लाइव कैमरों का इंतजाम किया गया। ये बात क्यों छिपाई गई? क्यों कहा गया कि कोई चीन के कब्जे में नहीं है? यह भी देखिए कि जब हिंदू अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया, इसका आधिकारिक खंडन नहीं किया गया। लेकिन पुलवामा के समय हर रणनीति को समझने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ कैमरे पर ही दिखाई दे रहा था। मगर चीन के कब्जे से 3 मेजर और 1 कर्नल को छुड़ाया गया या वापस लाया गया, वो कैमरे से दूर रह गया। उस समय की पारदर्शिता क्या कमाल की थी, इस समय की पारदर्शिता क्यों नजर नहीं आ रही है? अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ एंकर संदीप चौधरी की, जो अपनी डिबेट में सरकार से जमकर सवाल करते हैं। देखते हैं कि संदीप चौधरी ने पिछले 5 डिबेट्स किन मुद्दों पर किए। पहला, क्या सरकार और विपक्ष मिलकर लड़ेंगे चाइना से? क्या मजबूत राजनीति हराएगी चीन को? दूसरा, क्या सर्वदलीय बैठक के बाद चाइना के खिलाफ एक्शन होगा? तीसरा, चाइना का इलाज क्या है, बातचीत, बॉयकॉट या बंदूक? चौथा, चाइना पर विपक्ष का भरोसा जीत पाएगी मोदी सरकार? और पांचवा, बलिदान का बदला कैसे होगा, क्या बगैर युद्ध के हो जाएगा चाइना का इलाज? संदीप ने डिबेट के जरिए सत्ता में बैठी सरकार के नेताओं से सवाल किए हैं और सही स्थिति के बारे में पूछा, जिस पर वह गोलमोल जवाब देते नजर आए। हम ताल ठोकते हैं इस बात को लेकर कि जितने में एक हॉलीवुड की पिक्चर बनती है उतने में तो हम सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं। तो हमारी सैटेलाइट्स हैं, तो सैटेलाइट होती किस लिए? पिक्चर्स देने के लिए। तो चीन वहां दखलंदाजी कर रहा है, पिक्चर्स तो हमारे पास होंगी। ये जानकारी सरकार के पास थी नहीं थी कि चीन ऐसे घुस रहा है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना सरकार से। जायज है, जायज पूछे। हाँ, लेकिन उसका जवाब भी सुनिए। सरकार के पास जवाब कहां देती है? 40 दिन कोई जवाब नहीं दिया, अब तक 4 दिन में जवाब नहीं दिया सरकार ने। अभी ऑफिशियल रूप से जवाब नहीं आया, लेकिन पार्टी प्रवक्ताओं का भी जवाब आया, विदेश मंत्री का भी जवाब आया कि हमारे सैनिकों के पास हथियार थे और तो वो चलाए क्यों नहीं? एक सेकंड, वो तो एग्रीमेंट किया ना 97 में। संधि में बाउंड्री मैनेजमेंट है वो, 97 मिलिट्री एक्शन आपके कमांडिंग ऑफिसर को डिफेंस मिनिस्टर के भदौरिया साहब के, भदौरिया साहब के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका ही एग्रीमेंट है ये। क्या एग्रीमेंट में ये है कि मिलिट्री एक्शन हो जाएगा? वो बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर की व्यवस्था के लिए आप गोली नहीं चलाएंगे, दोनों कमांडिंग ऑफिसर को मार दिया जाएगा लठ बल्लम भालों से। बात तो जाने दीजिए। हाँ। देखिए, अभी तक सरकार ने ये नहीं कहा है कि हमारी कोई जमीन कब्जा हुई है। संदीप चौधरी ने जब बीजेपी नेता से पूछा कि कितनी जमीन पर चाइना का कब्जा है, तब वह कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने लगे। तभी संदीप ने उनको टोक दिया कि प्रधानमंत्री कहाँ छिपे हुए हैं, ये भाषा इस वक्त बोलने की जरूरत नहीं। और आप लोग भी यही कह रहे थे, पर आज आपके सहयोगी आते हैं, मतलब ये ओछा लेवल, इसी पर हम आ जाते हैं, असल मुद्दे गौण हो जाते हैं, असल सवाल गौण हो जाते हैं कि उस घटना के ग्राउंड रियलिटीज अंतिम रूप से क्या हैं, कितने और जख्मी हैं। देखिए, ये सरकार का काम है पुष्टि करना, और सरकार इसके स्ट्रैटेजिक इश्यूज को भी समझती है और देश के समक्ष कब किस तथ्यों को लेके आना है वो भी जानती है। तो इस पर अगर हम बहस करें कि भाई बताओ बताओ बताओ,
अभी शायद कोई और भी स्ट्रैटेजी हो सकती है सरकार। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए, आप शालीनता से आपने वो बात कह दी, मुझे आपके साथ झगड़ा करना तो नहीं पड़ा ना राजीव, आपसे झगड़ा करना नहीं पड़ा भाई। ये सामरिक विषय है, ये संवेदनशील विषय है। आप कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, चर्चा खत्म हो जाती है ना, पर ये कोई ऐसी नेशनल सीक्रेट थोड़ा है, देश को पता होना चाहिए ना। साइडलाइंस पर श्रीमती सोनिया गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ जाके एक पैक्ट किया था, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा पैक्ट नहीं किया है। राजीव प्रताप रूडी पर पैराडाइम शिफ्ट तो 2014 के बाद हुआ ना, आई एम ग्लैड आपने 2013 का जिक्र किया। ये तो थे कुछ वो डिबेट्स और शो जो इन पत्रकारों ने किए। आपने खुद ही देखा कि इन दोनों के सवाल करने में कितना फर्क है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार से गोदी मीडिया भी ऐसे ही सवाल करेगा और जनता की बात को सरकार के सामने रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।